हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं चावल का पराठा। चावल का पराठा बनाने के लिए मैंने रात के बचे हुए चावल लिए। जब भी हमारे कभी भी रात को हम चावल बनाते हैं तो थोड़े बहुत वो बच जाते हैं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग को हम चावल का पराठा ही बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये आइडिया बहुत पसंद आएगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनाना है चावल का पराठा। चावल का पराठा बनाने के लिए मैंने ये आटा लिया है। पहले आटा लगा कर तैयार कर लेते हैं, फिर हम चावल की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो आइए मैं आटा लगा लेती हूँ। आटे में मैंने ये थोड़ा सा घी डाला है, एक चम्मच के करीब मैंने ये इसमें घी डाला है। हल्का सा नमक डाल रही हूँ आटे में और हल्की सी काली मिर्च भी डाल रही हूँ। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को मुलायम सा तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारा आटा तैयार हो गया। अब हम इस पर थोड़ा सा घी लगा कर रख देते हैं सेट होने के लिए। मुलायम सा आटा तैयार करना है, जैसे हम पराठे का आटा तैयार करते हैं वैसे ही हमने इसका सिंपल आटा लगाना है। तो इसको हम ढक कर रख देते हैं। जितनी देर हमारा आटा सेट होता है हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं चावल वाली। स्टफिंग के लिए सबसे पहले ये मेरे पास थोड़े से चावल हैं जो रात के बचे हुए, और एक मैंने छोटा सा प्याज काट लिया। प्याज को बहुत ही बारीक काटना है। एक हरी मिर्च काट के रखी हुई है मैंने, और एक ये धनिया, थोड़े सी धनिया की पत्तियां काट कर रख ली हैं। अब इन सबको मिक्स करके इसमें नमक मिर्च डाल देते हैं। तो एक बोल लेते हैं पहले। ये मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैं ये चावल डाल दूंगी। और इसी में ये प्याज, हरी मिर्च और ये धनिया डाल देते हैं। अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च डाल देंगे, जैसा भी आप खाते हो। क्योंकि नमक हमने पहले भी आटे में भी डाल दिया था, तो इसलिए ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालूंगी, काली मिर्च नहीं डालूंगी, वो मैंने आटे में डाल दी थी। इसमें हमने हरी मिर्च डाली हुई है और इसलिए थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हिला देते हैं। ये हमारा आटा सेट हो चुका है। अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी सी लोई लेंगे इस तरह से, जैसे हम सिंपल पराठा बनाने के लिए लेते हैं। गोल करेंगे इसको। थोड़ी सी बेलकर अब इसमें हम स्टफिंग भर देते हैं। जिस हिसाब से आपने लोई का साइज लिया उसी हिसाब से आपने स्टफिंग फिल करनी है। हल्के हाथों से इसको बेल देंगे। इधर मैंने तवे को ग्रीस करके रखा हुआ है, गरम भी है तवा। अब इस पर हम परांठे डाल देते हैं। अब ये तवा मेरा गरम हो चुका था, इस पर मैंने पराठा रख दिया है। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से हम दूसरा पराठा बना लेते हैं।
देखिए, ये हमारा दूसरा परांठा भी बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे परांठे बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे चावल के परांठे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको मैंने बटर, दही और करेले के साथ सर्व किया। आपकी इच्छा है, आपको जो मनपसंद सब्जी हो उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। आप इसको घर पे जरूर ट्राई करके देखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो मेरी आने वाली रेसिपीज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।